When you are writing your research document by using AI tools, then in most of the cases, आपको AI tools के recommend किए हुए data के ऊपर depend करना पड़ता है और most of the cases आपका वो data आपकी queries के according नहीं होता and you want something else from these tools. Today I'm going to introduce AI tool with you जिसपे आप अपनी मर्जी के डाटा को अपनी मर्जी से AI tools की मदद से लिखवा सकते हैं. You can build your own library and by single prompt you can take information from all these research paper which you are required. The name of that tool is a Power Drill. Power Drill पे जब आप get started for free करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा. यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको नजर आए हैं जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं. बट बीइंग एकेडमिक एंड रिसर्च राइटर द यू हैव टू फॉलो ओनली टू स्टेप्स. सबसे पहले आपको अपना डाटा सेट करना है एंड टू डू दैट डाटा सेट आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने डाटा सेट का नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन को जैसे ही एंटर करेंगे तो ये कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करने से आपका कुछ इस तरह का डाटा बेस जो है वो सेट हो जाएगा. जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आई हैव सम रिसर्च पेपर जो कि मैंने इसके ऊपर अपलोड किए हैं. तो जितनी भी रिसर्च मैनुअली आपने की है और आपने अपनी रिसर्च क्यूरी लिटरेचर सर्वे के लिए अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट के लिए जितना भी रिलेटेड लिटरेचर कलेक्ट किया है जो कि अप टू डेट है मोस्ट रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्यूरी है जिसको आप कलेक्ट करने जिसको आप लिखने जा रहे हैं. इधर वो आपका रिसर्च प्रपोजल है, इधर वो आपका रिसर्च पेपर है, आपका थीसिस है, कोई छोटी सी रिसर्च रिपोर्ट है, लेकिन आपकी उसके लिए मैनुअल रिसर्च बहुत जरूरी है. जब आप वो कर लें तो आप यहाँ पर अपना एक डाटा सोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर पेपर्स की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड रिसर्च पेपर जो है उनको अपलोड कर सकते हैं. उसके बाद आप पावर ड्रिल को दोबारा से एप्स के ऊपर जाएंगे और सिंपल चैट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे. यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं. यू कैन ईदर यूज चैट जीपीटी 4, लेकिन आपने चैट जीपीटी 4 को यूज नहीं करना. यहाँ पर आपका जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है उसकी ऑप्शन आपके पास नजर आ रही है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज. हम उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस एंटर किए. व्हाट आर द मेजर फाइंडिंग्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन द गिवन डाटा, कि गिवन जितने भी रिसर्च पेपर हैं उनमें क्लाइमेट चेंज के बारे में जो मेजर फाइंडिंग्स हैं मुझे उसके बारे में बताएं. तो ईच पेपर, ये उसका वो टाइटल है जो मैंने प्रोवाइड किया और डेटाबेस में जिस नाम से वो रिसर्च पेपर सेव है उसने वो नाम देने के बाद उस रिसर्च पेपर से मेजर फाइंडिंग्स मुझे फाइंड करके दी. After that, I asked about from where the 97 concept of climate change originated. ये एक ऐसा concept है जो कि exist करता है climate change में और इसके बारे में बहुत सारी theories हैं. तो मुझे उसने एक comprehensive essay या comprehensive paragraph about the origin of this 97 concept जो था वो निकाल के दिया और साथ साथ उसने मुझे papers का reference भी दिया कि ये मैंने reference number paper number 5 और 6 से लिए हैं. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ 97 कॉन्सिक्वेंसेज इन रिलेशन टू क्लाइमेट चेंज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ स्टडी कंडक्टेड बाय जॉन कॉगेट ऑल इन 2013. द स्टडी एनालाइज्ड 11,944 पीर रिव्यूड पेपर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड फाउंड दैट 97.1% ऑफ द पेपर्स दैट एक्सप्रेस्ड अ व्यू पॉइंट ऑन द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सपोर्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो रिसर्च पेपर जो जिस सीक्वेंस से मेरे रिसर्च पेपर हैं उन्होंने उसके रेफरेंस को भी यहाँ पर पुट किया. तो डाटा को आप बड़ी स्मार्टली गैदर कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस अपने इन रिसर्च पेपर से पूछने हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेनी है. उसके लिए आपका अपने आपके माइंड में उन क्वेश्चंस का अलाइन होना इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस बहुत जरूरी है ताकि जो डाटा आपके पास आए वो भी सीक्वेंस की फॉर्म में आए और आप उसको इसी तरह से उठाएं और अपनी जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसमें इसका सीक्वेंस जो है वो इसी तरह से रखें. सेकेंडली, आपका अपने पेपर से गो थ्रू होना बहुत जरूरी है कि जो डाटा आपने यहाँ पर दिया है अपने डाटाबेस में और जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं क्या आपके डाटाबेस में आपके उन रिसर्च पेपर्स में आपके उन रिसर्च क्वेश्चंस के जो आप यहाँ पर कर रहे हैं आंसर्स मौजूद हैं. अगर ये दोनों चीजें अलाइन हैं और दोनों चीजें बहुत स्मार्टली आपने की हैं, इनको थोड़ा सा टाइम दिया है, तो फिर आपको मैनुअल लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. बिकॉज आई रिसीव दिस क्वेश्चन के कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा टूल है जिसमें आप अपने सारे रिसर्च पेपर डालें और वो आपका जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है वो राइट कर दे. तो यहाँ पर भी आपकी एफर्ट, आपका इनपुट, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी अपने काम को समझना बहुत जरूरी है. अगर आप उसको समझ रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपको किस पेपर से किस तरह का डाटा चाहिए, तो ये टूल आपको इस हवाले से बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. बिकॉज दिस इज गोइंग टू समराइज ऑल द रिसर्च पेपर अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च क्यूरीज और वहां से वही आपका डाटा आपको निकाल के देगा जो आपने इससे पूछा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं इससे पूछ सकती हूँ
What are the future recommendation to deal with the climate change and 97 issue? तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे डाटा के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है. So we have the answer to address the challenges of climate change and the missing risk associated with it. There are several future recommendations that can be considered: enhanced collaboration and interdisciplinary research, improved funding of economic model development, incorporate a wide range of impact estimates. तो यहाँ पर जितना भी डाटा आपके पास आया है उसका सोर्स भी आपके पास है कि ये सारा डाटा जो है द मिसिंग रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज से लिया गया है. तो आपकी रिसर्च ब्लाइंड नहीं है, आप विदाउट रिसोर्सेज को चीज कलेक्ट नहीं कर रहे. आपको पता है कि जो डाटा हमने इसको प्रोवाइड किया है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज, जो ऑथेंटिक रिसर्च पेपर या वेब लिंक्स हमने यहाँ पर दिए हैं, वहीं से हमारा डाटा जो है वो कलेक्ट होकर आ रहा है. सो दिस इज गोइंग टू एड अ ह्यूज वैल्यू व्हाइल राइटिंग योर सो दिस टूल इज गोइंग टू make your research writing process more easy and more convenient and more efficient by using AI tools. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे fellows तक जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को भी जरूर मेंशन करें ताकि उनको आने वाले वीडियोज में एड्रेस किया जा सके. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.